मोतीगांव में जीत के बाद नवनिर्वाचित प्रधानों ने किया जनसंपर्क, लोगों को अदा किया शुक्रिया, रंग बिरंगे आतिशबाजियों से मनाया गया जीत का जश्न। लालगंज में गांव की पंचायत का महासंग्राम अब थम गया है। आज मतगणना के बाद कई प्रत्याशियों के चेहरे खिले तो कई के मुरझाए नजर आए। देर शाम तक चली मतगणना में बसई इकबालपुर के मोहम्मद साले ने अपने निकटतम प्रद्वंदी आलमगीर को शिकत दी, तो वहीं दौना से रफत पत्नी नूर आलम ने अपने निकटतम प्रद्वंदी अब्दुल्ला को बड़े अंतर से हराया। बनारपुर सहला सीट के लिए मोहम्मद कासिम ने पूर्व प्रधान मोहम्मद आरिफ को पटकनी दी, तो वहीं कटौली में हाजी सोहराब ने जीत दर्ज की। दी गांव के नंदापुर से काजू यादव तो मिर्जापुर ग्राम सभा से नवयुवक सोनू प्रजापति ने जीत दर्ज की। इसी क्रम में संजय चौहान ने तरफ काजी से जीत दर्ज की, तो कस्बा से अनिस कुरैसी और राजू देर रात तक मतों के आगे पीछे होते भी देखा गया। साथ ही बैरीडी से चुनू ने जीत दर्ज की, तो वहीं कटौली से सोहराब ने जीत दर्ज करने का काम किया। जहदबंदपुर से प्रधान मंसूर ने भी इस चुनाव में भारी जीत दर्ज करने का काम किया। इस्माइलपुर बराती से इस बार सूर्य प्रताप यादव विजय हुए। इसी तरह कई प्रत्याशियों को हार तो कई की जीत का सामना करना पड़ा। अपनी जीत की खुशी में लोगों ने आतिशबाजी कर अपने जीत की खुशी को मनाते देखा गया। इस चुनाव में नंदापुर से पहली बार लड़ रहे बीडीसी प्रत्याशी विकास गुप्ता ने भी भारी जीत दर्ज कर लोगों को हैरत में डाल दिया। इसी क्रम में मिर्जापुर से बीडीसी के लिए कन्हैया ने भी देर शाम को बड़ी उलटपुलट करते हुए कुछ मतों से जीत दर्ज कर ली है। हमारी और खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज द दबंग न्यूज़ को लाइक करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल द दबंग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे न्यूज़ पोर्टल www.dadabangnews.com पर विजिट करें। किसी विज्ञापन के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हमारी खबरें अपने मोबाइल पर देखने के लिए हमारे एंड्रॉयड ऐप द दबंग न्यूज़ को डाउनलोड करें।